नमस्कार भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शेयर करते आया हूँ। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज के 2 साल पहले कराया था। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मेरी कंडीशन क्या थी, मेरे कितने ज़्यादा बाल झड़ चुके थे, तो इस वीडियो में आप देखिए कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने से एक दिन पहले इसको रिकॉर्ड किया था। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद मेरी बालों को कंडीशन देखिए, पास में लाइए। तो ये है जो मेरा रिजल्ट आपके सामने है। लगभग 2 साल कंप्लीट मेरे हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले जिनको भी डर होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मतलब डर वाला स्टेप है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों वो डरावना लगता है, कराने के बाद सारी चीज़ें नॉर्मल क्यों हो जाती हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इसमें देखिए कि कितने मतलब इंजेक्ट किए जा रहे हैं और कैसे ये स्किन स्किन ऊपर को उठ रही है और कितना अजीब सा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा दिखने में डरावना है, बाकी इसमें जो सुई लगती है तो बहुत ही नॉर्मल लगती है। आप खुद ही अपने हाथ से लगा सकते हो, इतना नॉर्मल लगता है, बिल्कुल जैसे मच्छर काटता है तो वही वाला या चींटी वाला डर। ठीक है, तो चींटी वाला दर्द होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपके लिए पंच से पंच किया जाता है और ग्राफ्ट को आपके डोनर एरिया से निकाला जाता है। तो उसमें क्या होता है, बस एक सुई जैसा होता है। मैंने जब सामने से सर्जरी को देखा तो बिल्कुल ऐसे सुई जैसा होल होता है, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो उसमें आप खुद सोचिए कि ये समझ लो कि जब वो ग्राफ्ट को ऐसे निकालते हैं तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल ही निकलते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ बहुत ज्यादा खींच रहे हो या कोई बड़ी बात हो। ठीक है, और इसके अलावा जब ग्राफ्ट को आपको निकाल के अलग से रख दिए जाते हैं और आपके जो डोनर एरिया में ऐसे होल किए जाते हैं, तो वो भी बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही माइनर ऐसे दिखते हैं। आप सामने से देखोगे, बस स्क्रीन पर जब अपन मोबाइल में देखते हैं या जो अपनी वीडियोज में अपन देखते हैं, तो बहुत ज्यादा डरावना दिखता है, बस मोबाइल में ही दिखता है। आप सामने सर्जरी देख लोगे बैठ के, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, एक बात, जैसे कि आपका जैसे एक ग्राफ्ट को निकाला कहीं से और एक ग्राफ्ट को लगा दिया, क्या इसमें साइड इफेक्ट होगा आपकी स्किन में? जैसे कभी आपको लग जाता है, कभी कभी इतना लग जाता है हाथ में कि सारे बाल ही चले जाते हैं, तो क्या इतने सारे बाल निकालने से क्या आपको साइड इफेक्ट होगा क्या? तो ये चीजें आप खुद दिमाग लगाइए। बस ये रहता है कि एक जगह पर बहुत सारे ऐसे पास पास में ग्राफ्ट लगा दिए जाते हैं, साथ में उसकी डेड स्किन होती है, तो वो जो स्किन वाला पार्ट होता है, बस वो डरावना लगता है। जैसे आप एग्जाम्पल में सोचिए कि एक चींटी को आप देखोगे तो कितनी नॉर्मल लगेगी, बहुत सारी चींटियां एक साथ बैठ जाएंगी तो वो थोड़ी सी डरावनी लगनी लगती हैं। तो बस वही वाला फंडा है और कुछ नहीं है, बस वो दिखने में डरावनी है सर्जरी। बाकी आप सोचिए कि इसका साइड इफेक्ट हो, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आपके और भी क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आप हमसे डिस्कस कर सकते हो ना, मैंने नंबर डाल के रखा है, आप हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसा लग रहा एज का, या ऐसा लग रहा कि ये जो बाल हैं सारे झड़ जाएं फिर इसके बाद मैं ट्रांसप्लांट कराऊं, तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें बहुत सारी, ये जर्नी बहुत बड़ी है 2 साल की, ये समझ लो। तो 2 साल में क्वेश्चन तो बहुत सारे हो जाएंगे, एक वीडियो में कवर करना तो मुश्किल है। बाकी हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, पंच यूज करते हैं या स्लिट बनाते हैं, तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले हमसे जुड़ना है, और जितनी भी सर्जरी मैंने भी कराई है तो मैंने यूट्यूब पर सारी शेयर की है। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्लिनिक सही चूज करना है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो आपका ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा। ठीक है, बस ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी दी है, और भी हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।